हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि जो मिशेल हाइपोथेसिस जो दी गई थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि प्रोटॉन ग्रेडियंट इज असेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो उसके फेवर में जैगेंडॉफ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देखिए कि इस टेस्ट ट्यूब में हम देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट या थैलेकोइड्स का सस्पेंशन है, जिसको हमने एक बफर सॉल्यूशन में डाला जिसका pH 4 है, जैसा कि हम इस ए फ्लास्क में देख रहे हैं। देन हमने क्लोरोप्लास्ट सस्पेंशन और pH 4 जो फ्लास्क में है उसको इक्विलिब्रियम के लिए छोड़ दिया। अब पूरा जो सेटअप था वो इक्विलिब्रेट हो गया। आफ्टर दैट थैलेकोइड्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया एक सी फ्लास्क में जिसका pH 8 था, और इस पूरे सेटअप को हमने बाद में डार्क में रख दिया। और सिस्टम को जब हमने एटीपी मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिए, तब एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि पूरा सेटअप हमने डार्क में रख दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर दी एटीपी प्रोडक्शन। इफ देयर इज ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड एडीपी एंड पीआई आर प्रेजेंट, इन दैट कंडीशन एटीपी मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड दैट वॉज सेट बाई मिशेल। And that hypothesis we all know, that is chemiosmotic hypothesis. So we can understand that what happened. So suppose in A, what we did, we had the thylakoid. This is the ATP synthase, and the pH of the thylakoid lumen here is 4. Fine. Now this chloroplast suspension that we shifted in the flask B, where the pH is 4. So after equilibrium, what we see that the pH of the thylakoid and the pH of the buffer, that is same. Fine, 4 and 4. Now in the next flask, what we see here, the pH is 8. Then अब आपने ये pH 4 वाला जो पूरा इक्विलिब्रियम पे सिस्टम था उसको हमने pH 8 में शिफ्ट कर दिया। तो आप देखिए सिचुएशन कैसी हुई। तो हेयर इज दी pH 4 एंड दिस इज दी बफर सॉल्यूशन हैविंग pH 8। सो दिस वाज द ए सेटअप, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो यू सी वेयर इज दी pH 8। सो एच आयन कंसेंट्रेशन इज less, और वेयर वी सी द pH इज 4, द एच आयन कंसेंट्रेशन इज हाई। सो व्हाट वी सी हियर दैट देयर इज ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, और यही एक ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से प्रोटॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए जब प्रोटॉन थैलेकोइड ल्यूमन से इस तरफ आएंगे और सिस्टम में एडीपी और पीआई हमने दे दिए हैं, तब एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर डार्क में क्यों रख रहे हैं, हम इसलिए रख रहे हैं कि जैसा कि हम फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ते हैं कि लाइट एनर्जी में एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यदि मिशेल की हाइपोथेसिस ठीक है कि जब भी प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट मीन जब भी प्रोटॉन का डिफरेंस होगा अक्रॉस
अक्रॉस मेम्ब्रेन, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, और जब हम उसमें एडीपी और पीआई दे देंगे तब एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। फाइन, तो हमने डिफरेंट पीएच सॉल्यूशंस लेकर डिफरेंस क्रिएट कर दिए थैलेकोइड मेम्ब्रेन के दोनों तरफ। तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया, और मिशेल कहते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट होना जरूरी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि लाइट है या डार्क है। तो हमने डार्क कंडीशन जब दे दी और प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश था, एडीपी पीआई डाले और तब हमारा एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया। तो ये हाइपोथेसिस जो है, जो मिशेल ने दी थी कि देयर इज ए केमी ऑस्मोटिक मॉडल जिसके तहत प्रोटॉन जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, जैसा हम देख रहे हैं हायर कंसंट्रेशन एच आयन का थैलेकोइड ल्यूमन में है और बाहर कम है, इसलिए मूवमेंट थ्रू इस पर्टिकुलर गेट के थ्रू होगा जो कि है एटीपी सिंथेज, और एडीपी पीआई मौजूद है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी जानकारी हमारी जैगेंड्रॉफ एक्सपेरिमेंट के बारे में है, जिसने मिशेल के मॉडल को जो है और मजबूत किया कि यस, देयर इज ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स।